तारीख से पिछले महीने 25 तारीख हुई थी, तब से हम लगातार गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगभग हमारे 90% के ऊपर हमारे सब गांव हो चुके, घर घर हम पहुंचे हैं, हर मोहल्ले पहुंचे हैं। आज हम शहरों में भी हम चालू कर दिया है, 2-3 दिन से लगे हैं यहाँ पर, तो मोहल्ले भी हमारे बहुत कम्प्लीट हो चुके हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए वहाँ समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है। गांव में गए तो वहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, कहीं हैंडपम्प ख़राब है, कहीं कुछ भी मतलब नाली ख़राब है, कहीं ना कहीं दिक्कत के सामना जनता कर रही है। आज हम जैसे यहाँ शहर में भी गए तो शहर में कॉलोनी में पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ सफाई नहीं है, दिक्कत के सामना हमारी जनता को, हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। तो हमने आश्वासन दिया वहाँ के लोगों को कि अब जैसे ही हमें भगवान और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हम वहाँ जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था और ये सफाई वफाई की व्यवस्था जो जल्द से जल्द 15-20 महीने के अंदर करा लेंगे। और गांव में जो है हम गए, गांव में देखा सड़कों की हालत ख़राब है और जनता परेशान हो रही है, गांव से गांव आदमी परेशान हो रहा है। तो जो हम कर सकते हैं समस्या का हल करेंगे। और दूसरी व्यवस्था जैसे उनको रोजगार की समस्या भी हमारे यहाँ है तो वो भी समस्या हल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में, जाकलोन क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में खदानों की समस्या थी, तो खदान जो बंद की है उन्होंने, तो उस चक्कर में हमारे रोजगार की समस्या आई, तो यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। बहुत से मजदूर लोग यहाँ नहीं कर रह रहे हैं और यहाँ से दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं। तो प्रयास हुआ कि उनको वापस ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और यहाँ काम की समस्या हल की जाए। और दूसरा आप जैसे हमारे शहरी समाज आदिवासी है, वो भी जड़ी बूटियों पर आश्रित थी, तो वो भी गरीबी हालत में है और वो भी मजदूरी के बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी हमारी समस्या बहुत है जिन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए हम आगे आए हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि चुनाव में जनता के बीच में रहें और जनता की समस्याओं खत्म करें। तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र है, बीएसपी का क्या है घोषणा पत्र? अभी घोषणा पत्र मायावती बहन जी ने हमारी बहुत अच्छी मतलब घोषणा पत्र जारी किए हैं। एक कर्मचारियों का पेंशन था वो भी उन्होंने हल करने की जो आश्वासन दिया वो होगा। और भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है, बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ कहा है, और जो उद्योगों के लिए, हर चीज़ के, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब उन्होंने जो की है आपको पता ही है, वो सब घोषणा पता गई है। उसकी समस्या हमारी बहन जी निपटाएंगी, उस घोषणा के हिसाब से हम लोग कर रहे बातें। आरोप ये लग रहे हैं कि विधानसभा से लेकर सांसद तक जो है पहुंच रही है इस परिवार की और कोई विकास नहीं किया क्षेत्र में इस बारे में। जैसे क्या है विकास, तो अभी आप अभी बात कर रहे थे, हम गाँव गाँव जा रहे हैं, वहाँ पर विकास है नहीं, तभी तो हम विकास करने के लिए मैदान में आए हैं। जब से हम 25 तारीख से घूम रहे हैं लगातार यही देख रहे हैं। उसके पहले तो हमें क्या है, अभी तक अगर हमको जनप्रतिनिधि बनाते हैं आप लोग तो आपके आशीर्वाद से हम बनेंगे, अब तो क्या है दूसरी पार्टियां घबरा गई हैं हमारे जिस जनसंपर्क से, लोग जो जुड़ाव से, हर आदमी हमसे जुड़ रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, हर जो शिक्षित है उनका भी मिल रहा है हमको, क्योंकि शिक्षा में हमने भी थोड़ा सा पढ़ाई की हुई है, बाहर भी किया है, यहाँ भी की, तो लोग समझ रहे, युवा समझ रहे कि यहाँ ये लड़का आएगा, हमारा बेटा आएगा, बच्चे समझे, तो हम मेहनत करेंगे और काम करेंगे। अभी जो सपा छोड़ के आए हैं उनसे आपको कितना फायदा होगा? अब तो हमारे नेता है मजबूत है, जो देख रहे हैं कि जनाधार यहाँ है तो वहीं आ रहे हैं, वहाँ उनको लग रहा है कि जनाधार नहीं है, वो कुछ विशेष परिस्थिति में फंस के रह गई पार्टी, तो उसके छोड़ के यहाँ आ रहे हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं कि लेतपुर का विकास हो, लेतपुर विकास के लिए वो हमारे पसाद छोड़ रहे हैं और जनता छोड़ रही है। अब जैसे घबरा गई दूसरी पार्टियाँ तो हमारे ऊपर आरोप लगाना चालू कर दिया है, मालूम चला है कि कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई हमको गुंडा कह रहा है, लेकिन लेतपुर जनता बता दे कोई कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाओ, सामंतवाद बढ़ाया जाएगा, बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा अगर आप हमने की हो, कोई हम एक लेतपुर का एक आदमी बता दे कि हमारे गुंडागर्दी का हमारे छवि है, वो सब छवि धूमिल करना चाहते हैं, हमको मतलब हमारी इमेज खराब करना चाहते हैं, उसका हम खंडन करते हैं, उसका जवाब 20 तारीख को पटन दबा के। आप क्षेत्र में घूम रहे थे, क्या दिखा विकास, जो नेता दावे कर रहे थे हमने विकास किया, काम किया, सड़कें बनाई, कुछ दिखा के? तो यही तो हमने बोला है कि देखो विकास तो कुछ दिख नहीं रहा था, आप लोग भी जाएं, कई गांव में तो सड़कें ही नहीं है, कई जगह में तो खंजा भी नहीं है, कई जगह तो आदमी क्षेत्र में भी भारी समस्याएं लोगों को उठानी पड़ती हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है। यही तो लेतपुर की, हम तो अभी दूसरे जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेतपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिले की बात कर रहे हैं, दोनों विधानसभा हमारी पार्टी लड़ रही है, तो दोनों विधानसभा में देखिए, यहाँ देखें जिला अस्पताल लेतपुर में है तो डॉक्टर की कमी है और उसके जो स्टाफ की भी कमी है और जो मशीनरी उसकी भी थोड़ी बहुत कमी है, तो ये सब चीज़ें समस्याएं हैं। तो उसके लिए समस्या दूर करने के लिए हम मैदान में आए हैं कि आने वाला समय, क्योंकि हमारा जो मकसद है यहाँ विकास करना, वो दूसरे जनप्रतिनिधियों का मकसद कुछ और था। प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे राजा? में लग गए थे जनप्रतिनिधि, अपना कमीशन खाने चक्कर में लग गए थे, उन्होंने कहा कि विधायक निधि हो, चाहे बुंदेलखंड विकास निधि हो, या कोई भी हो, या फोन भी करना है अगर तो किसी को भी फोन करना है अधिकारी को, तो उसके लिए भी पैसे ले लेते थे। मौजूदा समय प्रशासन किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है? देखो प्रशासन के ऊपर दबाव है, हालांकि वो तो है।
होकर ट्रांसपेरेंट लेके निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और निष्पक्ष हमारी बात सुनेंगे और निष्पक्ष जनता जी। बाहरी नेता आ रहे हैं बहुत सारे प्रचार करने के लिए, अब देखिए अब आने वाला समय आएगा फिर बात करेंगे। पर लोग अभी हाल आएंगे, हम क्षेत्र में लगे, कल हमारी बहन जी आ रही है थोड़ी, तो हमको सुबह वहाँ जाना है, शाम को तालबेट का प्रोग्राम, तो हम जनता में लगे बीच में, फिर आप अगली बार फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।